हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपने घर में मजे से होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम किचन से। आप सभी कहते थे कि कुछ कुकिंग करो, कुछ प्रैंक करो और अदर कोई भी फनी वीडियो बनाओ। तो हम आज कुकिंग की वीडियो बना रहे हैं। तो आज मैं बनाने वाला हूँ चाउमीन। बीच में लॉकडाउन में मैंने काम किया था, चाउमीन, बर्गर, पास्ता वगैरह सब कुछ बनाना सीखा था मैंने। और उसके बाद मैंने काम भी किया था, एक स्टॉल भी लगाई थी। तो आज लगभग बीच में 6 महीने पहले मैंने एक व्लॉग डाला था जिसमें मैंने रेडी पर चाउमीन बनाई थी। तो आज भी मैं चाउमीन बनाने वाला हूँ। तो बस यहाँ पर मैंने सारा सामान रेडी कर लिया। तो इधर हमारी आ गई है चाउमीन, इधर कढ़ाई, साथ में रिफाइंड सोया सॉस, सिरका, इधर मैंने देखो वेजिटेबल्स भी कट कर लिए हैं, और साथ में यहाँ पर काली मिर्च, मैगी मसाला, शेजवान चटनी और साथ में सॉस, और इधर नमक मिर्च भी आ चुकी है। तो बस स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे, और बहुत ही मजेदार व्लॉग आने वाला, पूरा देखना, फुल एंजॉय करोगे व्लॉग का। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपने लेना लाइटर और लगाना गैस को, ताकि यहाँ पर चूल्हा जल जाए, क्योंकि तो इसके बिना तो सारा काम अधूरा है। उसके बाद रिफाइंड आइडिया से डालना, बस यहाँ पर रिफाइंड डाल दिया हमने। यानी ये सामान ना, जो भी अगर किचन के अंदर, जब लेडीज का हक होता है वैसे, लेकिन आदमी काम कर रहा हो ना, तो ये सामान जितना भी है ना, खिंडाना नहीं होता, बर्तन नहीं खराब करने होते, सामान इधर उधर नहीं रखना होता, अपने अपने ठिकाने पर रखना है, नहीं तो कलेश हो सकता है। तो अपनी अपनी जगह पे सामान रखते जाएंगे। तो उसके बाद अभी ने शिल्पा रिकॉर्ड कर लिया, वो पीछे से हंस रही है। तो ये सच बात है कि किचन में जब भी आदमी काम कर रहा होता है ना, तो फिर उसके बाद ये होता है, इधर रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया, इधर रख दिया। तो भाई ठिकाने पे सामान रख देना, ताकि घर के अंदर कोई भी कलेश ना हो, नहीं तो ऐसा होता है। और किस किस के घर में ऐसा होता है जरूर कमेंट करना। तो बस यहाँ पर ऑयल गर्म होता है अभी ना, वैसे तो इसके लिए भट्टी होती है, लेकिन हम भट्टी पे नहीं बना रहे, हम नॉर्मल जैसे भी घर के अंदर चूल्हा होता ना, उस पर बना रहे। तो अभी जैसे ही ऑयल गर्म होता है, उसके बाद हम डालेंगे हमारी वेजिटेबल्स। तो गाइस, इधर हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, और अभी डालते हैं यहां पर वेजिटेबल्स सारी। इधर हमारा मर्चा भी तैयार है, देखो। तो ये वेजिटेबल जितनी भी है ना, इसे कच्चा पक्का बना भुनना है, यानी इसे बिल्कुल अच्छे से नहीं पकाना, कच्चा पक्का, ताकि ना सब्जियों का भी ना थोड़ा सा टेस्ट आ सके। तो बस इसे कच्चा पक्का भूनते हैं। तो गाइस, इधर हमारी सब्जियां जो है कच्ची पक्की भुन चुकी है, और इसके बाद काम आएगी हमारी चाउमीन। तो चाउमीन डालते हैं सबसे पहले। यहाँ पर चाउमीन देखो बिल्कुल एकदम जैसे रेडी स्टाइल होती है ना, खिली खिली सी वैसी। बस अब गैस की जो फ्लेम है ना, वो बिल्कुल स्लो कर लेनी है, और उसके बाद डाल लेनी है यहाँ पर मसाले। सबसे पहले नमक। बस यहाँ पर ना मैं एक आइडिया से डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया है कि कितना क्या क्या डालना है। तो बस आप भी, वैसे तो घर की औरतों को सबसे ज्यादा आइडिया होता है इसका, तो डाल लेना अपने आइडिया से ही। और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर गरम मसाला, यहाँ पर थोड़ा सा मीट मसाला रखा हुआ था वो मैंने डाल दिया, एक एस्टीमेट सा मैगी मसाला, काली मिर्च। यहां पर देखो मसाले का कैसे पहाड़ लग गया। और उसके बाद लास्ट में आ जाए, देखो कितनी सुंदर सी डब्बी है, देखो शिल्पा कैसे कैसे संभाल के रखती है डब्बियां। इसके अंदर है असली मसाला, तो ये है अजीनामोटो। तो बिल्कुल हल्का सा डालेंगे इसे, ज्यादा नहीं डालेंगे। तो गाइस, अब यहां पर 2 औजार ले लेने हैं, तो बस उससे ये मिक्स कर देने मसाले सारे।
और गैस की जो फ्लेम है ना वो बिल्कुल स्लो ही रखनी है, यानी वो तेज ना हो तो बढ़िया ही है। और ये ऐसे खिलती रहेगी, कोई इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये काम ना बाद में सफाई का हो सकता है, तो घबराने की कोई लोड नहीं है। तो गाइस बस यहां पर मसाले जो है मिक्स हो चुके हैं, उसके बाद ये हमारा जो पनीर था, पनीर मैंने पहले इसलिए नहीं डाला कि ये जो है ना बाद में हम डालेंगे ना तो अच्छा सा टेस्ट आएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सब्जियों का जो टेस्ट है ना वो कच्चा पक्का रखना है, उसे अच्छे से भुनना नहीं है। तो ऐसे ही पनीर का भी रहेगा कि पनीर का जो टेस्ट रहेगा ना वो भी कच्चा पक्का ही रहेगा। तो इसलिए अब पनीर डाल देंगे हम, इसके बाद आ जाएगा हमारा विनेगर। जिसे ज्यादा खटास पसंद हो तो वो ज्यादा डाल सकता है। मैंने जैसे यहाँ पर दो ढक्कन डाले हैं, शिल्पा ने पहले ही बोला कि ना विनेगर थोड़ा सा ज्यादा डालना, उसे ना हल्की सी खट्टी खट्टी पसंद है। तो बस विनेगर का जो काम होता है वो खटास के लिए होता है। तो विनेगर जो है मैंने दो ढक्कन डाले हैं, और उसके बाद आ जाती है सोया सॉस। यहाँ पर मैंने सोया सॉस भी डाल दिया। बस उसके बाद काम है मिक्स का, फ्लेम लो ही रखनी है गैस की, तो मिक्स करने के बाद फ्लेम हम थोड़ी सी हाई कर लेंगे। तो अभी पहले मिक्स कर लेते हैं सबको। तो गाइस इधर जो है हमने सोया सॉस और मसाले वगैरह सब मिक्स कर दिया, तो आप देख सकते हो कि कैसा कलर आया, एकदम देखो कैसी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल चाउमीन लग रही है। और अब गैस की फ्लेम को हम तेज करेंगे और इसे गरम करने के लिए हो रहे हैं, ताकि ये गरम हो जाए और उसके बाद हमारी चाउमीन जो है रेडी हो जाएगी। इसके अंदर हमने यानी सॉस और शेजवान चटनी हम टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप पहले डालना चाहो पहले भी डाल सकते हो, बाद में डालना चाहो भाई यानी चाउमीन बन जाए उसके बाद टेस्ट के अनुसार आप ले सकते हो इसे, तो हम बाद में ही लेंगे इसे। बस यहां पर चाउमीन जो है गरम हो जाती है और उसके बाद रेडी हो जाएगी। तो गाइस इधर जो है हमारी चाउमीन जो है बनकर रेडी हो गया, और अब चेशु जानो को बुलाते हैं और खिलाना शुरू करते हैं, और उसके बाद देखेंगे कि कैसी बनी है, वो सब बताएंगे खाने के बाद। हुण की करी जांदे हो? मैंने आपको कहा था ना कि जो सामान जहां कहो वहां ठिकाने पर रख देना है, तो वही सामान जो है ठिकाने पे रखने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पर जो चाउमीन जो नीचे गिर गई थी वो उठा लिया, इसे डस्टबिन, ये जो सामान है हो सके तो बर्तन धो भी देना भाई, नहीं तो जो घरवाली से पिटाई होती है ना। बस झूठे मेरी तो नहीं होती, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ। बस ये कि सामान अपने अपना जो है जगह पर रख देना, बस इतना कहना चाहूंगा मैं। तो बस यहाँ पर चाउमीन हम खाते हैं और उसके बाद बताएंगे आपको कि कैसी बनी है। बहुत ही मस्त चाउमीन बनाई है, तो आप भी घर के अंदर बना सकते हैं, बिल्कुल इजी प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है। रेस्टोरेंट स्टाइल आप घर में चाउमीन बना सकते हैं, और आगे भी हम कुछ ऐसी ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। आज कुकिंग से रिलेटेड थी, तो कल प्रैंक भी हो सकते हैं, कुछ फन की वीडियो हो सकती है, या कुछ एक्सप्लोर करने से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो बस जिसे भी ऐसे कुछ अच्छे अच्छे आइडियाज आते हैं वो नीचे कमेंट कर देना, उसे हम उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते रहेंगे। और बस ब्लॉग पर बने रहना, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर और नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो गाइज इधर आ चुके हैं अभी, देखो चेशु और जानू। हेलो 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 यामू, हेलो। और इधर आ गया अभी हमारी सबकी चाउमीन, देखो भाई। और यहाँ पर चेक करो भाई कैसी बनी है, बाकी अब टेस्ट करके बताएंगे कैसी बनी है। तो भाई करो टेस्ट और बताओ कैसी बनी है। अभी इनका इनका झगड़ा होगा, ये मेरी है ये मेरी है, कोई भी ले लो एक जैसी है सभी। तो टेस्ट किया जाए, सभी एक साथ टेस्ट करेंगे। मस्त, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पर तो पास हो गई अभी चाउमीन,
बहुत ही मस्त बनी है, बाकी मैं भी टेस्ट करता हूँ। तो बस अभी चाउमीन खाते हैं और आज के इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बने रहना और जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।